सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। हम सुबह सुबह शिमला में पहुंच चुके थे। शिमला में करीब 6 बजे पहुंचे और फिर 6 बजे हम ISPT ऊपर बाईपास में उतरे और फिर वहां से आए ओल्ड बस स्टैंड। और फिलहाल ओल्ड बस स्टैंड में हमने एक होटल बुक किया है। तो गाइस चेक आउट दिस होटल यार, रियली ऑसम। और ये नया ही होटल बना है अभी फिलहाल, इसमें हम पहले ही कस्टमर हैं। मतलब पहले इन द सेंस कि इसमें इस बार ही ओपनिंग हुई है इस होटल की। और पीछे देखिए और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है होटल और बहुत बड़ा है। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको बाहर का व्यू है, यहाँ से ऑसम ही व्यू आता है। और बाकी सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, होटल का एक रूम टूर दे देता हूँ आप लोगों को। पहले आप व्यू चेक कीजिए। और ये होटल का एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाहर ले जाता हूँ आपको एक बार। और यहाँ से कुछ स्टेयर्स आती हैं ऊपर के लिए। और बाकी अब एंटर कीजिए होटल के अंदर और इसका वॉशरूम और इसके रूम्स चेकआउट कीजिए यार, बहुत ही अच्छा है यार। ये वॉशरूम है और बाकी ये फर्स्ट रूम है जहाँ अनुपम सोई है। और बाकी यहाँ टीवी लगा है और इस साइड से फिर व्यू दिखता है। और फिर और ये सेकंड रूम है, इसका टॉयलेट वॉशरूम इधर है, इधर से अलग से व्यू है। ये पूरा फैमिली पैकेज है यार, अगर आपको रुकना है यहाँ तो रुक सकते हो। ये देखो वाह यार क्या व्यू दिखता है। और बाकी व्यू यहाँ से भी, हर विंडो से व्यू है भाई, हर विंडो से व्यू है। चेक कीजिएगा गाइस, सो फिलहाल अभी घूमते हैं, इसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा यहाँ पे। घूमते थोड़ा शॉपिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे बाइक के बाद। और बाकी यदि आपने मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपके पास मेरी हर एक वीडियो आए सबसे पहले। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ शिमला से। होप आपको मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आई नो कि थोड़ी बहुत कमियां या बहुत सारी कमियां भी मुझ में है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, आपको एक स्टेबिलिटी दूंगा ब्लॉग में ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो कि मैं आप लोगों को एग्जैक्टली दिखाना क्या चाह रहा हूं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल शिमला में हैं। चलिए अभी मैं फ़िलहाल बात करना चाह रहा हूं जो ऑल ओवर हमारा ट्रिप था। जैसे हमने सबसे पहले जो ट्रिप शुरू किया था वो नेरवा चौपाल से शुरू किया था और उसमें हम सबसे पहले शिमला आए और शिमला में एक दिन नाइट का स्टे किया। और फिर हमारी ऑलरेडी पहले वॉल्वो की बुकिंग थी और फिर वॉल्वो की बुकिंग में दिल्ली गए और दिल्ली में फिर हम सुबह पहुंचे और सुबह फिर अपने मैं फ्रेंड्स के रूम गए, वहाँ पे हमने वहाँ फ्रेश हो गए और खाना वाना खाया और वहाँ हम करीब 11 बजे ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। और 11 बजे हमने वहाँ से फिर से वॉल्वो एक बुक किया जो कि डबल डेकर बस थी जिसमें कि स्लीपर रहते हैं, स्लीपिंग वाली सीट होती है। यह फिलहाल आप बाहर का व्यू चेकआउट कीजिए, अभी धूप निकल चुका है और टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं। और मैं आपको ये देखिए यार पहाड़ों का व्यू आज इतने दिन के बाद देखा तो मजा आ गया यार। सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज़ आर्यन अनुपम ब्लॉग। तो अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं
बीजमल में, जहाँ हमारा स्टेशन है, जहाँ हम रहते हैं फिलहाल। मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि यहाँ और वहाँ के वेदर में बहुत ही फ़र्क है, और यहाँ का मौसम देख सकते हो, यहाँ तो अभी इतनी ठंड है कि यहाँ पे दिन में भी अगर धूप ना मिले तो आपको बहुत ठंड लग जाएगा। बाकी मैं चारों ओर का सराउंडिंग व्यू बताता हूँ, और हमारी वीडियो में ऐसे ही बने रहें। और बाकी मैं बीच में दिखा नहीं पाया क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग में था, तो सुबह वहाँ से रात रात को ही ट्रैवल किया, तो यहाँ सुबह पहुँचे, तो उसके बाद थोड़ा अपना काम किया और फिर ड्यूटी पे आए, और अभी लंच टाइम हुआ है। फिलहाल आप इधर उधर का वेदर चेकआउट कीजिए। सो गाइज, ये का अभी फ़िलहाल पीछे का व्यू है, आप देख सकते हो, ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीच में। और बाकी यहाँ पहाड़ों की ब्यूटी देखिए यार। अब आपने प्लेन तो बहुत देख लिया, जैसलमेर देख लिया, और सारी चीज़ें आपने देख ली। और फिलहाल यदि आपका कोई क्वेरीज हो रिलेटेड टू ब्लॉग, या कुछ चेंजेस करने हो ब्लॉग में, तो आप मुझे बता सकते हो, बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आजकल मोस्टली क्या होता है कि पहाड़ों में ज़्यादा ठंड रहता है, तो पहाड़ों में भी सूखी ठंड, बिल्कुल सूखी, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई है, तो बारिश के कारण बहुत ड्राई सा रहता है, मतलब स्किन वगैरह हमारी ऐसे क्रैक्स हो जाते हैं स्किन में। बाकी मिलते हैं आपको।